देखिए जिस प्रकार आज युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता पे लाठी चलाई गई है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ 2024 के चुनाव में ये राजस्थान की जनता जवाब देगी इस भ्रष्ट सरकार को। राज्य और केंद्र की सरकार ने जिस प्रकार युवाओं को, किसानों को ठगने का काम कर रहा है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि इस लाठी का, एक एक लाठी का जवाब प्रदेश का युवा देगा, प्रदेश का किसान देगा, माताएं बहनें देगी। मैं, हम सब लोग आदरणीय राहुल गांधी जी के सच्चे सिपाही हैं, आदरणीय बीवी श्रीनिवास जी के सिपाही हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक किसानों की मांगों को, नौजवानों की मांगों को पूरा नहीं करा जाता, किसानों को MSP नहीं दी जाती, तब तक ये युवा ऐसे लाठी खाता रहेगा। जेलों में भेजेंगे तो जेलों में जाएंगे। देश के किसान आज एकजुट है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने MSP देने का वादा सरकार में आने के बाद किसानों से किया है, राजस्थान में, देश भर में नौजवानों और किसानों ने एकजुट होकर के इस मोदी सरकार को बदलने का मन बना लिया है। जिस प्रकार से अग्निवीर लाकर के देश के सैनिकों को कमजोर करने का काम किया, आज एक अग्निवीर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको सम्मान अंत्येष्टि का हक भी इस सरकार ने नहीं दिया है। ये सरकार आने वाले समय में उखड़ जाएगी और राजस्थान का नौजवान जिसने आज शंखनाद इस महासंग्राम के माध्यम से आज तय किया है कि राजस्थान में इस सरकार को बदल करके आने वाले समय में हम रहेंगे और 25 की 25 लोकसभा की सीटें हम कांग्रेस की झोली में डालने का काम करेंगे।